हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो यहाँ पे सुबह सुबह उठ के मैं रोटियाँ बना रही हूँ, क्योंकि यही मेरा ड्यूटी है मेरे ज़िंदगी का, सुबह उठ के रोटी बनाना, जो पसंद हो या ना हो वो करना पड़ता है। जस्ट जोकिंग। सो यहाँ पे मैं चाय पी रही हूँ सुबह को, एंड आज हम जाएंगे बाज़ार। सो मैं और मेरे फ्रेंड्स मिल के हमने प्लान किया कि हम पिकनिक पर जाएँगे। फाइनली वो प्लान सक्सेसफुल हो रहा है, दिवाली में हमने प्लान किया था। सो अभी हम सब लोग मिल गए हैं एंड मार्केट आए हैं सब्ज़ी बाज़ार, जो जो चाहिए वो लेने के लिए। यहाँ पे मेरी दोस्त फरीदा भी आ चुकी है, एंड ये फटक बाज़ार है ना, यहाँ पे बहुत मैसी थिंग्स रहते हैं, हर तरफ से सब्ज़ी, मछली मंडी, ये सब। एंड अंकिता भी आई है क्योंकि उसके घर में 2 दिन बाद पूजा है, इसी वजह से वो आज शॉपिंग कर रही है मछली वगैरह, ताकि कल उसका प्रॉब्लम ना हो। ये बहुत ही फिश मार्केट एंड बहुत गंदा रहता है, मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ इधर में। एंड मेरे हस्बैंड इधर में हेल्प कर रहे हैं क्योंकि वो बार्गेनिंग में अच्छा है, एंड उसको पता है ये मार्केट के बारे में। यहाँ पे हम सब्ज़ी खरीद रहे हैं पिकनिक पर्पज़ के लिए, किस में क्या कितना चाहिए, एंड ये सब ना मिक्स हो जाता है क्योंकि हमने लिस्ट नहीं लिखा, हमने मोबाइल पे लिख के लाया, इसी वजह से। शॉपिंग करियो दादा, हमरा डिस्काउंट दिबो। हां अपन डिस्काउंट दिले बाबू शॉप रे डिस्काउंट दिबो। दुकान नाम को जगह हो, दुकान नाम ता होबा जय गुरु स्टोर फाटक बाजार। ठीक है, हर चीज मिलता है, दाल वाल हैन पैन सब मिलेगा। हमने लिया पनीर, हमने लिया ये अमूल का पैकेट, एवरीडे का पैकेट, आज है हमारा पिकनिक डे, एंड से सुबह भी नहीं हुआ है, 6 भी नहीं बजे है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूटी खाना बनाना है, एंड मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ क्योंकि तबीयत ज़्यादा ख़राब है, रात को नींद अच्छे से नहीं हुआ है। यहाँ पे सब्जी दूंगी एंड रोटी बना लूँगी, उसके बाद आराम से रेडी होंगे। सो कल ही मैंने शैम्पू वगैरह कर लिया है बाज़ार से आने के बाद, तो मुझे पता है इतना सुबह मैं नहाऊंगी नहीं, एंड पूरा पूरा नाक फूल गया, इतना दर्द सर्दी के वजह से। मैं फटाफट से खाना वाना ख़त्म करती हूँ एंड फिर धीरे धीरे रेडी करती हूँ, एंड जो जो सामान लेके जाना है साथ में वो बैग के अंदर घुसाना है, वरना मैं तो पक्का कुछ भूल जाऊँगी। एंड मैंने ना एक्सटेंशन कट कर लिया है ताकि सब्ज़ी वगैरह काटते वक्त प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ज़्यादा लंबे नेल से प्रॉब्लम होता है बहुत ज़्यादा। इतना सुबह उठ के काम करना मुझे पसंद नहीं है, बट स्टिल आज एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। दोस्तों के साथ पिकनिक में जाना एक अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट रहता है। जब मैं क्लास 4 में थी तब मैं स्कूल से पिकनिक गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड तब मैं बहुत ना समझती, कोई बात नहीं, बट आज मैं बहुत ज़्यादा समझदार बन चुकी हूँ। एंड यहाँ पे मैं अपने सास ससुर सभी के लिए रोटी सब्ज़ी बना रही हूँ ताकि बकबक ना करें मैं जाने के बाद, इसी वजह से। अभी बज रहा है 8, 7 बजे का टाइम था, एंड सुबह का चाय पीने के बाद ये सेकेंड में हॉर्लिक्स पी रही हूँ। अभी क्या करें, इतना लेट उड़ा में हम सब रेडी होके बैठी हूँ। अभी सोच रही हूँ ये स्वेटर चेंज करूँ या नहीं, क्योंकि आते वक्त तो ठंड लगेगा, इसी वजह से सोच रही हूँ कि यही ठीक है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रही थी। ओह अच्छा अच्छा, इसलिए खाए थे। सो हम लोग बैठे नहीं, हम लोग खड़े हैं, वेट कर रहे हैं गाड़ी, वेट करते करते मैंने अपना ड्रेस चेंज कर लिया, और पता नहीं इधर में खड़े रहते रहते और शायद ड्रेस चेंज हो गया इधर, क्योंकि सूरज उठ रहा है, ड्रेस चेंज हो रहा है। फाइनली हमारा जो ट्रैवलर है वो आ चुका है, 9 बज रहे हैं अभी, लिटरली काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, बट कोई बात नहीं, हम लेट में भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर लेंगे। हर किसी को पिकअप करना है, फिर हमें जाना है हर किसी का स्टॉपेज पे। सो यहाँ पे मैं और मेरी दोस्त रेशमी, वो थे उसके हस्बैंड के साथ, फिर हमने एक एक को सब पिकअप किया, एंड फिर मज़ेदार सफ़र में हम निकल गए। फाइनली फरीदा बना रही है सैंडविच। सैंडविच खाएंगे अभी हम। हमें टेस्ट करके देखते हैं। पहले लड़का लोग को दे देते। वो लोग बहुत काम कर रहे हैं, ऐसे भी देखो। फरीदा आईडिया नहीं दे।
बीच में काम करो, तुम्हें कुछ होता है ना। मुझे भी डर लग रहा है, डर लग रहा है। वीडियो कर रहे हम यहाँ पे फोटो फोटोशूट चल रहा है एंड पीछे खाना बन रहा है। अच्छा ठीक है, हाय फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स, पिकनिक कर लो फ्रेंड्स, हम लोग पिकनिक मना रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। नहीं, ये व्लॉग जाते जाते न्यू ईयर पुराना हो जाएगा। पहाड़ पहाड़ और पहाड़, चाहे हिमाचल का पहाड़ ना हो, ये हम लोग का सरकारी पहाड़ भी ठीक है। बीच में नदी, सूखी वाली नदी, नदी को चूस लिया है किसी ने। कॉन्ट्रीब्यूशन है लो वीडियो बनाने, वीडियो बनाने कंट्रीब्यूशन। पिकनिक में सच में बहुत ज़्यादा मज़ा किया एंड हमने भी सैंडविच खाया, चाय पिया एंड अभी यहाँ पे सब लोग सब्जी वगैरह काट रहे हैं एंड जो खाना पकाने का हमने लोग लिया था वो खाना बना रही है एंड हम यहाँ पे सब्जी काट के धो के सब रेडी करके, ऐसे ही तो टाइम पास रहता है एंड ऐसे ही सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। ये वक्त जो है ना सच्ची में बड़ा ही मज़ेदार वक्त है, बड़ा ही मज़ा आ रहा है। बहुत सारा प्लानिंग एंड सबके बाद हमारा पिकनिक सक्सेसफुल जो हो रहा है, इतना मज़ा आ रहा है। सब दोस्त लोगों ने टाइम निकाला क्योंकि ये वीकेंड्स नहीं था, ये 27th of December था जो कि वीकडेज है एंड जो जिस चाहे काम धाम छोड़ के आए, कुछ लोग नहीं आ पाए, पॉसिबल नहीं हुआ, बट हमने सच में बहुत मज़ा किया। मैं वीडियो करूंगी यहाँ पे। बंधु बंधु बंपाल, हटात कैसे खाली खो कैकदिन देखे पड़े देखे हमें बड़ो मास हो ना तीन बड़ो आता पड़े गेसलम क्या बंधु बे। कौन था वो लड़का जिससे तो मांग मांग के खाती है? रश्मि बैठ ना। अरे किच्छू तो ना, तो वीडियो में हम लोग भी, हम लोग भी हैं क्या? हाँ हाँ, सब लोग हैं, सब लोग हैं वीडियो में। अरे वीडियो टांग की ताऊ देखो। यहाँ पे हम सभी लोग खाने पे बैठे, कुछ लोगों का खाना हो गया एंड अभी सर्व हो रहा है। सो खाने पे है पनीर, अंडा एंड चिकन, पापड़ भी था, नींबू भी था, हर चीज था एंड यहाँ पे मेरे हस्बैंड एंड शिनचैन भी आए हैं, हस्बैंड के दोस्त भी आए हैं। ओ माय, भूल गए किसे, देखो कि ऐसा हम वीडियो पिकनिक हो राजवीर रॉय। बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरीज के साथ हमारा ये पिकनिक एंड होता है। सो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।